पेट्रोल के दामों में इजाफा होने की आशंका को लेकर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। पेट्रोल पंपों पर किसानों की भीड़ लग गई है। इतना ही नहीं, कई किसान तो ट्रैक्टर ट्रालियों में ड्रम भरकर पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाते देखे गए। वहीं कई लोग अपनी बाइक की टंकी फुल करवाने के बाद बोतलों में पेट्रोल लेते देखे गए हैं। ये दृश्य बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप का है। यहां पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की आशंका के बीच पेट्रोल पंपों पर किसान उमड़ने लगे। कई किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रालियों में ड्रम लादकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे। किसान डीजल का स्टॉक करते दिख रहे हैं। किसानों को आशंका है कि डीजल के दामों में 10 से 12 रुपए प्रति लीटर इजाफा हो सकता है। दूसरी ओर कई लोग अपनी बाइक की टंकी फुल करवाते देखे गए। इसके अलावा लोग बोतल में भी पेट्रोल लेते देखे गए। चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम इस हफ्ते बढ़ सकते हैं। इसकी वजह बेतहाशा क्रूड ऑयल का भाव बढ़ना है। अब तक का ट्रेंड बताता है कि सरकार चुनावों से ठीक पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने से बचती रही है। चुनाव खत्म होते ही कीमतें बढ़ने में देर नहीं होती। कच्चे तेल की कीमतों के हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम में 20 से 25 रुपए की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। रूस ने चेतावनी दी है कि क्रूड ऑयल की कीमतें $300 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। रूस के एक वरिष्ठ मंत्री का कहना है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद तेल की कीमतों में $300 प्रति बैरल से अधिक का इजाफा हो सकता है। इससे भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में दोगुनी वृद्धि हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा है कि वॉशिंगटन और यूरोपीय सहयोगी रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद तेल की कीमतें 14 साल के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने राज्य टेलीविजन पर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि रूसी तेल की अस्वीकृति वैश्विक बाजार के लिए विनाशकारी साबित होगी। इससे पेट्रो कीमतों में अप्रत्याशित उछाल आएगा। नोवाक ने कहा है कि गैस के दाम भी 40% तक बढ़ सकते हैं। जर्मनी ने पिछले महीने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के प्रमाणीकरण को रोक दिया था। इसका भी असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ेगा। कभी भी गैस सिलेंडर की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत 100 से 200 रुपए तक बढ़ सकती है। 2008 के बाद पहली बार गैस की कीमत प्रति गैलन औसतन $4 से ऊपर पहुंच गया है। ऐसे में तेल कंपनियां अपने ऊपर से दबाव को कम करने के लिए बढ़ी कीमतों का बोझ आम जनता पर डाल सकती हैं। चुनाव के कारण जो बोझ अब तक तेल कंपनियां झेल रही थीं, अब उसे ग्राहकों पर डाला जा सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।